देख सकते हो कितनी सुंदर जगह है भाई, फ्री एंट्री है यहाँ की। ये देख सकते हैं आप, फ्री में यहाँ पर आप जो है म्यूजिकल फाउंटेन शो देख पाएंगे। अभी बस 5 मिनट में ये शो स्टार्ट होने वाला है। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा पर। फिलहाल मैं दिल्ली के अंदर हूँ और एक ऐसी लोकेशन पर आ चुका हूँ भाई, जो लोकेशन मतलब एक हिडन जम कह सकते हो। मतलब इस लोकेशन के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है और ये जो लोकेशन है भाई इतनी बेस्ट होने वाली है कि आप अगर वीडियो में आगे देखोगे आपको ये जगह पसंद आ ही जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस जगह के बारे में कि कौन सी जगह मैं आया हूँ। और पहले इसके बारे में बता दूँ भाई, ये एक ऐसी जगह है जो फैमिली फ्रेंड्स कपल सभी को पसंद आने वाली है। गेट टुगेदर करना चाहते हो, पार्टी वगैरह करना चाहते हो, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते हो, या फिर भाई किटी पार्टी वगैरह कुछ, या प्रपोज वगैरह करना हो, डेट वगैरह सेलिब्रेट करना चाहते हो, ये सब कुछ आप इस जगह पे कर सकते हो। इतनी बेस्ट जगह मैं आज आपको लेकर आया हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ कि दिल्ली में किस जगह पे फिलहाल खड़ा हूँ और क्या क्या फैसिलिटी आपको यहाँ मिलने वाली है, क्या है कैसे है, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा भाई आपको मैं इस लोकेशन के बारे में एक बार बता देता हूँ। जैसे भाई साकेत में है ना चंपा गली, तो वैसी ही एक जगह होने वाली है। वहाँ आपको ढेर सारे कैफे रेस्टोरेंट एक साथ देखने को मिलते हैं, वैसे यहाँ पे भी मिलते हैं। यहाँ पे आप चाइनीज़ खा सकते हो, साउथ इंडियन खा सकते हो, नॉर्थ इंडिया का खाना खा सकते हो, मतलब काफ़ी कुछ मिलने वाला है आपको। क्या क्या मिलेगा सब आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये देखो भाई, ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये पूरी लोकेशन है। अभी पता नहीं लग रहा, पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा जब पता लगेगा। तो उससे पहले यहाँ की सारी जानकारी देता हूँ, यहाँ की टाइमिंग क्या है, लोकेशन क्या है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है, ठीक है, फूड मेन्यू वगैरह, फूड रिव्यू वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। और रात में बहुत प्यारी लाइटिंग यहाँ पर हो जाती है, सब कुछ बता दो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप ये सामने देख रहे हो एट्री रॉयल, तो यहीं पर आज हम फिलहाल आए हैं। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट यहाँ के बारे में बताता हूँ सब कुछ। एट्री रॉयल, बाकी वाले देख सकते हैं, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट, डाइन इन, टेक अवे, डिलीवरी। तो यहाँ की अगर लोकेशन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट पार्क, बी ब्लॉक, जनकपुरी, ये यहाँ की लोकेशन रहेगी, ये आप देख रहे हो। तो यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें, थोड़ा शोर हो रहा है बाहर भाई, सामने रामलीला ग्राउंड है जनकपुरी का। और यहीं से भाई अगर थोड़ा बाहर निकले तो इस साइड अगर आप देखोगे ना, ये बीच में पार्क आ गया, मतलब तो यहीं सामने जो है ना भारती कॉलेज है, जनकपुरी का भारती कॉलेज। तो आप रिक्शे वाले को मतलब ये भी बोल सकते हो, कहीं आ रहे हो आसपास से कहीं से भी, कि भारती कॉलेज के पास जाना है। भारती कॉलेज यहीं सामने है और भारती कॉलेज के बगल में डिस्ट्रिक्ट पार्क है और डिस्ट्रिक्ट पार्क के ही अंदर आपको ये जगह देखने को मिलती है। और यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहता है जनकपुरी ईस्ट का, जो कि यहाँ से लगभग होगा 2-3 किलोमीटर की दूरी पर। आप रिक्शे वाले से को बोल दो कि डिस्ट्रिक्ट पार्क जाना है या फिर भारती कॉलेज जाना है, 20 रुपये आपसे लेंगे और यहाँ पर आपको छोड़ देते हैं। और ये देखो यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, इधर हम आए हैं और यहाँ आपको पार्किंग मिल जाती है ये, और वहाँ उस साइड भी आपको पार्किंग मिल जाती है, फ्री पार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है आराम से आके अपनी गाड़ी यहाँ पे जो है पार्क कर सकते हो। और चलिए अब अंदर चलते हैं। यहाँ की टाइमिंग की अगर बात करें तो वो रहती है भाई दोपहर में 1 बजे ये जगह ओपन हो जाती है और रात को 11 बजे तक ओपन रहती है। तो बाकी कम्प्लीट डिटेल आप और आगे देते हैं। चलिए भाई यहाँ से अंदर चलते हैं। यहाँ पर एंट्री गेट पर देखेंगे अमूल आइसक्रीम आपको यहाँ मिल जाती है। बाकी इस साइड अभी यहाँ पर रेडी नहीं, मुझे लग रहा है ये कुछ स्वीट्स वगैरह शायद होंगी यहाँ पर। और चलिए अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे क्या रहेगा। 0.5 पर ही कर ले क्या, ये देख सकते हो आप, यहाँ पूरा एरिया है, यहाँ आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। और दिखाते हैं चलिए सब कुछ, एट्री रॉयल, या कई आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगा, ये देख सकते हो। यहाँ आप इस साइड देखोगे तो यहाँ आपको ये मिल जाता है सीटिंग अरेंजमेंट इस साइड। अभी अभी जो है 1 ही बजे हैं और अभी अभी जो है इसकी स्टार्टिंग हो रही है, तो अभी जो है सब कुछ अभी रेडी हुआ नहीं है। हम जल्दी ही आगे ओपन होते ही, क्योंकि भाई बाद में कपल्स वगैरह काफ़ी आते हैं, उनको दिक्कत ना हो इसलिए हम जल्दी आ गए। ये देखो इस तरीके से डेकोरेशन होती है। और दिखाते हैं आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट, दिखाते हैं यहाँ का, ये देख सकते हो आप, ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ का होता है। जैसे मतलब मान लो 4 लोग हैं या कपल्स वगैरह भी हैं, सारा सिटिंग अरेंजमेंट अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो पूरा एरिया आप देख रहे हो ना, रात में बहुत ही प्यारी लाइटिंग हो जाती है, लैंप्स वगैरह ऊपर लगे हुए हैं, ये देखो ऊपर ये लैंप्स वगैरह लगे हुए हैं, इनमें बहुत प्यारी लाइटिंग हो जाती है। बाकी ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो, बगल में ही डिस्ट्रिक्ट पार्क भी है। मान लो आपको रेस्टोरेंट से मतलब खा पी लिया और पार्क में टहलना है, घूमना है, तो बगल में आपको काफ़ी बड़ा ये पार्क मिल जाता है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया यहाँ पे, 4-4 सीटें जो है लगी हुई हैं सारे इसमें। बाकी इस तरीके से और सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है आपको, ये देख रहे हो सब में लाइटिंग रात को बहुत प्यारी आती है, गोल्डन कलर की लाइट जलती है, बहुत ही प्यारा लुक देती है, जो कि ये देख सकते हैं यहाँ सारे में सिटिंग अरेंजमेंट आपको मिल जाता है। बाकी उस साइड जो है लोग आ भी गए हैं, वहाँ पर आप देख रहे हो द चाय स्टोरी है, ये एक कैफ़े। बाकी वहाँ पर वो है सफारी करके कोई साउथ इंडियन जो है रेस्टोरेंट, वहाँ उस साइड है। और यहाँ आप सामने देख रहे हो कॉफ़ी वगैरह मिल जाती है, साउथ इंडियन मिल जाता है और चाइनीज़ मिल जाता है, यहाँ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं। बाकी सर ये हैंड वॉश वगैरह का है। बाकी भाई अभी जो है 1 ही बजे और यहाँ पे कपल्स वगैरह ने आना भी स्टार्ट कर दिया है, वहाँ कपल्स वगैरह बैठे तो ज़्यादा दिखा नहीं सकता। द चाय स्टोरी है वहाँ पे, ये पूरा एरिया द चाय स्टोरी का रहेगा।
जहाँ आपको मतलब काफ़ी सारा अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई है, रात में काफ़ी अच्छी यहाँ पे लाइटिंग होने वाली है, अच्छी रील्स वगैरह भी यहाँ पे आके जो है बनाई जा सकती हैं। ये बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे जो है फाउंटेन भी लगाया हुआ है, ये इधर आप देख रहे हो, ये देखो ये वाला भी एक जो है थोड़ा बढ़िया एरिया रहेगा, थोड़ा प्राइवेट टाइप में, क्योंकि चारों ओर से पेड़ पौधे हैं। देखो यहाँ पे ये एरिया है, वहाँ गणेश जी हैं वहाँ बीच में, यहाँ ऊपर लैंप देख रहे हो, इसमें भी रात में लाइटिंग हो जाती है। ये है, चलिए और दिखाता हूँ। पर्सनली मुझे काफ़ी बढ़िया ये जगह लगी है, मतलब एक ही जगह पे हमें काफ़ी तरीके के फूड खाने को मिल जाते हैं। अभी रेडी ही किया जा रहा है सब कुछ, क्योंकि अभी एक ही बजे हैं दोपहर के। बाकी यहाँ देखो स्टडी अरेंजमेंट मिल जाता है, और ये चेयर वगैरह और रखी हैं, अभी सब लगाया जा रहा है धीरे धीरे। बाकी उस साइड आप देख रहे हो ना, शाम को यहाँ पे जो है 7:30 बजे फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है, जिसका टिकट होता था पहले 7 रुपये का, बट अब वो भी फ्री है, वो भी टिकट नहीं लगने वाला है। डेली शाम को वहाँ सामने जो है शो होता है, फाउंटेन शो, म्यूजिकल फाउंटेन, दिखा के आता हूँ। चलो ये डिस्ट्रिक्ट पार्क के अंदर का एरिया है ये, जहाँ भी हम चल रहे हैं। आप चाहें तो रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं, खाने पीने के बाद यहाँ पार्क में भी आके बैठ सकते हैं। देखो अभी मैं बोल नहीं रहा तो कितनी शांति यहाँ पे पता लग रही है। शाम को डेली यहाँ पर जो है शो चलता है 7:30 बजे, तो फैमिलीज़ वगैरह हैं वो आ सकती हैं, मतलब शाम को आके बच्चों को दिखाओ भाई। देखो डेली चलता है यहाँ पर, अभी तो पूरा खाली पड़ा है भाई। ये है पूरा म्यूजिकल फाउंटेन का एरिया, शाम को शो होता है, बहुत बढ़िया। उसके लिए हमें शाम तक रुकना पड़ेगा अगर आपको दिखाना है तो। अभी मैं यहीं पे आ गया हूँ द चाय स्टोरी वाले एरिया में, तो चलिए यहाँ का थोड़ा मेन्यू वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा लोग बैठे हैं ना तो इसलिए थोड़ा दिक्कत रहती है। ये देख सकते हो यहाँ पे भी मेन्यू दिखाता हूँ, बाकी यहाँ आपका आप एरिया देख सकते हो। ये देखो देख सकते हो भाई, यहाँ पर आपको जो है ये बगल में ये साउथ इंडियन है, यहाँ पे ये वाला पूरा साउथ इंडियन का रहेगा, बाकी तो चाय स्टोरी जो है वो वहाँ पर था। ये साउथ इंडियन वाला जो यहाँ पे रेस्टोरेंट है उसका मेन्यू आप देख सकते हो, इडली वड़ा वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे आपको, डोसा मिल जाएंगे, अक्की राइस डोसा, बाकी यहाँ पे रावा डोसा, उत्पम हॉट जो है होटल कोर्ट बेवरेजेस, वही चीज़ यहाँ पर जो है रिपीट है, पीछे की साइड भी देख सकते हो, काफ़ी कुछ आपको मिल जाने वाला है। साउथ राइस, साउथी राइस ऑफ द डे 170 का मिलने वाला है, और डोसा की अगर बात करें प्लेन डोसा 130, मसाला डोसा 145, पनीर मसाला डोसा 170, ये सब यहाँ का जो है मेन्यू रहेगा देख सकते हैं आप। बाकी ये देख सकते हैं अभी चाय है द स्टोरी, द चाय स्टोरी ये देख सकते हो, ये चाय वाले का है। बाकी यहाँ आपको मॉकटेल वगैरह भी मिल जाने वाले हैं, कई शेक्स वगैरह मिल जाने वाले हैं, पिज़्ज़ा आपको यहाँ मिल जाने वाला है। अभी ये देखो इस साइड भी आप देख सकते, इधर काफ़ी बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ है। बाकी अभी यहाँ पर चेयर वगैरह लगनी है, अभी जो है अभी एक ही बजे हैं तो थोड़ा कम है अरेंजमेंट अभी। देखो पार्क की ग्रीनरी देखते हुए खाना पीना चाहते हो तो यहाँ की साइड बैठ सकते हो आप आकर। देखो ये पार्क है भाई, पार्क में कपल्स वगैरह काफ़ी बैठे हुए दिख रहे हैं, बाकी जूम करके दिखाएंगे नहीं। यहाँ इस साइड देखे तो क्या मिलने वाला अपने को, या करीज एंड ग्रिल्स मिलने वाला है, अभी रेडी हो रहा है देखो खाना वहाँ पर। अब भाई मतलब हम ना एक जगह पे जा रहे थे शूट करने के लिए, एक कोलैबोरेशन था वहाँ जा रहे थे, फिर हमने ऐसे आके मतलब पार्क के बाहर बैठ गए थे, और फिर मैंने देखा कि लोग ना मतलब बाहर निकल रहे हैं पार्क से, और भाई सब बढ़िया बढ़िया कपड़ों में निकल रहे हैं, कपल्स वगैरह निकल रहे हैं, शॉर्ट्स वगैरह पहन हैं और निकल रहे हैं पार्क से बाहर। बोला ये क्या हो रहा है पार्क में ऐसे शॉर्ट्स वगैरह पहन के आ रहे हैं, क्या है ये। फिर अंदर आके देखा तो ये जगह हमें मिली, तब मुझे पता लगा भाई ऐसा भी कुछ है यहाँ पर पार्क के अंदर, वो भी डिस्ट्रिक्ट पार्क के अंदर इतना बढ़िया बना हुआ है। बोला भाई इसको तो एक्सप्लोर करना है अब, और लोगों को बताना है इस जगह के बारे में। दिल्ली में जनकपुरी के अंदर इतनी बेस्ट जगह आपको मिलने वाली है भाई, खाने पीने को इतना कुछ मिल जाएगा। तो चलिए अभी कुछ ऑर्डर करते हैं और फिर खाते हैं, और आपको भी रिव्यू देते हैं कि कैसा यहाँ का टेस्ट वगैरह रहेगा। बाकी अभी कपल्स वगैरह आ चुके हैं, बैठे हुए हैं, तो कुछ जगह जो है यहाँ की मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कपल्स वगैरह बैठे हैं भाई, वो अपना आए टाइम स्पेंड करने, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता मैं कि हाँ भाई थोड़ा सैड हो जाना, वीडियो बनानी है, नहीं ऐसा नहीं, तो डिस्टर्बेंस होगा, टाइम निकाल के आए होंगे अपना, तो सही नहीं है ना ऐसे। तो जितना जैसे हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, कपल्स वगैरह आना शुरू हो चुके हैं, आते हैं काफ़ी कपल्स यहाँ पर। अभी मैं देखो ये 1:30 बज चुके हैं, और अगर मैं आधा घंटा और इंतजार करूँ पूरा फुल हो जाएगा, ये कपल्स ज़्यादा आते हैं। चलिए कुछ खाने को ऑर्डर करते हैं, बाकी जैसे जो है दिखाते हैं। सब्सक्राइब कर लें चैनल पे हैं पहली बार तो, और इंस्टा पे जो है मैं रील्स भी डालता हूँ, मतलब जैसे ये जगह है ना इसको 1 मिनट में बनाकर
और रील डालेंगे, तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। चलिए देखते हैं। तो भाई यहाँ का जो मेन मेन्यू है ना, मतलब जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट कैफे वगैरह बने हैं सबका है यहाँ पर जो है इस वाली बुक के अंदर। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ एट्री रॉयल मेन्यू। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हमें मिलने वाला हॉट बेवरेजेस, कोल्ड बेवरेजेस, यहाँ पे आपको बेवरेज मतलब ये पूरा बेवरेजेस का है। और यहाँ आपको मिल जाएगा पास्ता मिल जाता है, देख लो एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना भाई क्या क्या किसका रेट है। पास्ता आपको मिल जाता है यहाँ पर, पिज्ज़ा आपको मिल जाता है यहाँ पर, काफ़ी वैरायटी के यहाँ पे पिज़्ज़ा आपको मिलेगा। पनीर टिक्का है, ऑनियन टमाटो कैप्सिकम पिज़्ज़ा, ऑनियन मशरूम पिज़्ज़ा, प्लेन चीज़ पिज़्ज़ा, काफ़ी पिज़्ज़ा आपको यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। और सैंडविच मिल जाते हैं, बर्गर मिल जाते हैं, ये देख सकते हो आप। यहाँ के बाइट्स मिल जाते हैं काफ़ी सारे आपको, यहाँ पे चीज़ी स्पेंच एंड कॉर्न रोल्स ये मिल जाता है आपको। वेजिटेबल का यहाँ पे चिकन वगैरह नॉन वेज भी मतलब यहाँ पे आएगा, ये देखो, ये देख सकते हो आप। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हो आपको मेन कोर्स में भी काफ़ी कुछ मिल जाता है, एक्जोटिक वेजिटेबल एंड यहाँ पे क्या है थाई ग्रीन करी, ये आपको मिल जाता है पूरा, ये मेन कोर्स का है। यहाँ पे चाइनीज़ में मेन कोर्स आपको यहाँ मिल जाने वाला है, और ये नूडल्स वगैरह आपको यहाँ मिल जाने वाले हैं, ये देख सकते हो आप। और अगर आगे बढ़े मतलब वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें यहाँ पर, ये फ्राइड राइस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, इंडियन मेन कोर्स मिल जाता है, पनीर मिल जाता है, वेजिटेबल्स काफ़ी हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो वेज स्टार्टर आपको मिल जाने वाले हैं, पनीर मलाई टिक्का ये स्टार्टर है सारे भाई, दही के छोले, सोयाबीन चाप वगैरह मिल जाती है, अचारी सोयाबीन चाप। और यहाँ देखे तो नॉन वेज है ये सारे स्टार्टर नॉन वेज के अंदर, ये देख सकते हो आप। यहाँ आप देख रहे हो ये वैप वैप वगैरह देख सकते हो, मोमोज में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं, ये देख सकते हो वीडियो पॉज करके। सूप वगैरह मिल जाता है यहाँ पे, एक्स्ट्रास आफ्टर्स ये सब मिल जाएगा भाई, स्ट्रॉबेरी शेक वगैरह हैं, पान नवाबी, चॉकलेट, हॉट चॉक। बाकी ये देख सकते हो मैं जो है प्योर वेज हूँ, बाकी वो उसको पॉज करके आप देख लेना नॉन वेज वाले को। इंडियन ब्रेड्स वगैरह, तंदूरी रोटी बटर, गार्लिक मिल जाएगा, लच्छा मिल जाएगा, वीडियो पॉज करके देख लेना भाई। बाकी ये देखोगे ना हर पेड़ के नीचे इस तरीके से लाइट लगाई हुई है, जो कि रात को बहुत ही अच्छा इसको रूप देती है, देख सकते हो हर जगह आपको इस तरीके से लाइट मिलेगी। रात में ज़्यादा अच्छा लगता है ये, रात में तो फुल हो जाता है, मतलब वेट करना पड़ता है, इतना फुल हो जाता है रात में, हर जगह लाइट है हर जगह। ये पेड़ देख रहे हो आप, ये पेड़ की टहनी लगी हुई है, तो इसके ऊपर भी जो है लाइट्स लगाई हुई है, देखो हर जगह मिलेगी। बाकी भाई ये आप देख रहे हो ना एंट्री पे, हम दिखाना भूल गए थे, ये सब डेकोरेशन थी थोड़ी इस तरीके से यहाँ पे लगाया हुआ है, ये देखो भाई लोग थोड़ा बीच में आ रहे हैं, कपल्स वगैरह आने लग गया क्योंकि। बाकी ये देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरीके से लगा हुआ, बाकी लाइटिंग पूरा यहाँ पे करी हुई है, अभी कुछ पता नहीं लग रहा, रात में जब ये लाइटिंग जो है प्रॉपर रेडी की जाएगी, चालू की जाएगी, तब पता लगेगा भाई, अभी पता नहीं लग पा रहा है। ये एंट्री गेट था भाई यहाँ का, लाइट्स लगी हैं काफ़ी सारी। तो भाई अभी हमने जो है ना ये मसाला डोसा ले लिया है, और ये 145 का है। चलिए भाई देखते हैं इसका टेस्ट करके, राहुल भाई का पहले आ गया था, टेस्ट कैसा भाई? भाई टेस्ट बढ़िया है, एक नंबर टेस्ट है, बढ़िया है टेस्ट। हाँ। तो भाई राहुल भाई को बढ़िया लग रहा है, चलिए मैं टेस्ट करके देखता हूँ। अच्छा भाई डोसा अच्छा लग रहा है, टेस्टी है काफी। तो अभी हम डोसा ही ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक और जगह जाना है मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो वहाँ पे खाएंगे, बाकी और थोड़ा यहाँ खा लेते, थोड़ा वहाँ खा लेंगे, इसलिए अभी जो है डोसा ही ऑर्डर करा है केवल। तो भाई डोसा खा लिया, मजा आ गया भाई, अच्छा था काफी। तो आप और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, हमने आपको थोड़ा टेस्टी भी देने के लिए टेस्ट करा थोड़ा सा ये। और बगल में डिस्ट्रिक्ट पार्क है, ये देखो ये पूरा पीछे का एरिया देख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट पार्क का एरिया है, ये दिखाता हूँ, ये देखो, तो पूरा भाई डिस्ट्रिक्ट पार्क का एरिया है। और मैक्सिमम मतलब जब से हम बैठे हैं या फिर जब से हम शूट कर रहे हैं, हमें कपल्स ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं पार्क में ही घूमते, या तो वो कपल्स घूम फिर रहे हैं या चेयर पे बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर रील्स वगैरह बना रहे हैं, मैक्सिमम रील्स ही बना रहे हैं, मतलब लड़की वगैरह आ रहे हैं, मतलब बढ़िया से रेडी वेडी होकर और रील्स बना रहे हैं सब। ये हमारे सामने यहाँ पे शूट हो रहा है, रील्स का दिखाता हूँ, देखो ये रील शूट चल रहा है यहाँ पर, ये देख रहे हो आप, ये अंकल है, अंकल के पीछे वहाँ आगे देखो, ये रील शूट हो रहा है यहाँ पर ये। तो भाई अगर रील्स वगैरह बनाने का शौक है, कॉमेडी रील्स मतलब इमोशनल रील्स कुछ भी, मतलब रील्स वगैरह बनाते हो तो यहाँ आ सकते हो भाई। मैंने मतलब तब से हम बैठे कितने ही लोग देख रहे हैं रील्स बनाते हुए, है ना भाई राहुल भाई, कितने देख लिए, ज्यादातर यही कपल्स वगैरह आ रहे हैं ना, मोस्टली कपल्स हैं यहाँ पे, और अभी तो कुछ हमसे पूछ भी रहे थे। हाँ अभी एक मतलब बाहर गेट पे जब हम वीडियो बना रहे थे तो लड़की पूछ रही थी क्या कर रहे हो आप, फिर उसने बताया कि मैं रील्स बनाने आई हूँ यहाँ पे, अच्छी लोकेशन है फलाना ढिकाना, तो वही सब है मतलब। बाकी भाई ये आप देख रहे हो डिस्ट्रिक्ट पार्क का ही एरिया है, तो ये जो कैफे रेस्टोरेंट वाला ये एरिया है, ईटर रॉयल करके जो था, एट्री रॉयल, उसके बगल में ही है पूरा, देख सकते हो कपल वगैरह काफ़ी हैं, तो जो है कपल वगैरह के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगी। काफ़ी बड़ा ये पार्क है, काफ़ी बड़ा,
ये बस हम यहाँ से बाहर निकले और ये आपको दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा ये पार्क है। तो आगे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, खा पी सकते हो, सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। दोस्तों अभी आप यहाँ का जो है नाइट व्यू देख सकते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ का नाइट व्यू दिखाते हैं एक बार। देख सकते हैं सामने एंट्री गेट पे भी कितना अच्छा बनाया हुआ है, ये देखो कितनी अच्छी लाइटिंग की हुई है, क्या बात है। ये देख सकते हो भाई नाइट व्यू कितना प्यारा यहाँ का आ रहा है, कितनी अच्छी लाइटिंग यहाँ पर की हुई है। तो सारे में कपल्स वगैरह फैमिली वगैरह बैठे हैं, तो ओपनली मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकता हूँ, बट जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, काफ़ी ठंडक हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, चारों जो है चारों ओर से ग्रीनरी की और हम आए हुए हैं, चारों ओर से ग्रीनरी है, देख सकते हो भाई। ये देख सकते हो भाई दिन में यहाँ पर का एरिया मैंने आपको दिखाया था ना, अभी जो है रात का व्यू आप देख पा रहे हैं, लाइटिंग ही लाइटिंग चारों ओर करी हुई जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जो है परमानेंट ऐसी लाइटिंग यहाँ रहती है, ये नहीं है कि कोई ओकेशन वगैरह है तभी मिलेगी, ऐसी लाइटिंग हमेशा रहती है, हमेशा लाइट म्यूजिक भी चलता रहता है जिससे जो है काफ़ी रिलैक्स फील होता है। देख सकते हो भाई चारों ओर इस तरीके से लाइटिंग है यहाँ पर हर पेड़ के नीचे। अभी भाई टाइम की अगर बात करें तो जो है 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पे देखो भाई फाउंटेन चल रहा है, और 7:30 बजे जो है यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन शो चलेगा 7:30 बजे। अभी थोड़ा टाइम है इसको स्टार्ट होने में, बट फाउंटेन अभी जो है चालू है, देख सकते हैं आप। पब्लिक अभी आई नहीं है क्योंकि पब्लिक को पता है यहाँ की टाइमिंग क्या रहती है म्यूजिकल फाउंटेन शो की। अभी कुछ इस तरीके से चल रहा है ये देखो, ये देख सकते हैं आप फ्री में यहाँ पर आप जो है म्यूजिकल फाउंटेन शो देख पाएंगे। अभी बस 5 मिनट में ये शो स्टार्ट होने वाला है, देख सकते हो 1 रुपये भी इसके नहीं दे रहे हैं, फ्री एंट्री है और आके आप एंजॉय कर सकते हो। बगल में वहाँ पे कैफ़े और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं म्यूजिकल फाउंटेन शो। पब्लिक को पता है यहाँ की टाइमिंग 7:30 बजे की है, तो अभी पब्लिक यहाँ ज़्यादा दिखाई दे नहीं रही है। फ्री में आप देख सकते हैं इस शो को, फ्री में ये देख सकते हैं भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। और भाई देख सकते हैं भाई इस जगह की अगर बात करें, शाम को भी यहाँ पर जो है 6:30 बजे में टाइम भी दिखा दूँ आपको, ये देखो भाई 6:35 हो रहे हैं, अभी ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, शाम ही हो रही है। और ये देखो भाई यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक है नहीं है, तो कपल्स के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा भाई, देखो बिल्कुल शांति है और डर वाली भी कोई बात नहीं है भाई, क्योंकि बड़ा पार्क है ये, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब रहते हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। और बगल में वहाँ पर रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह बना हुआ है एट्री रॉयल करके जो है, ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, सेफ भी है, बढ़िया भी है। बाकी इस साइड जो है बॉर्डर भी बना हुआ है, वो पार्क का एरिया पड़ जाएगा, यहाँ ये म्यूजिकल फाउंटेन वाला एरिया पड़ जाता है पूरा, देखो बढ़िया है काफ़ी। देख सकते हो भाई कितनी बढ़िया लाइटिंग करी हुई है, कितना अच्छा लग रहा है भाई, यहाँ सारे में जो है इसी तरीके से लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी। कपल्स वगैरह हैं, फैमिली वगैरह हैं, तो ज़्यादा हम दिखा नहीं रहे हैं। ये सामने भी देखे तो कपल्स हैं, यहाँ पर इन्होंने अरेंजमेंट बनाया हुआ है, यहाँ पर भी जो है कपल्स हैं, बाकी इस साइड फैमिलीज वगैरह हैं, देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। बाकी ये वाला एरिया खाली है देखो। चलिए दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं बाहर, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बाकी इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम अच्छी रील्स पोस्ट करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए अपना, जय हिंद, वंदे मातरम।